ख्वाब बुनन, आप भी हमारे साथ में बुनिएगा। मस्ती के कुछ मोती भी बिछाएंगे, आप सभी जरा संभाल के चलिए। हम एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, गुजारिश है आप सबसे। आप सभी जरा गौर से ताउम्र साथ रहे हम दोनों, बस इतनी सी मन्नत है मेरी। ताउम्र साथ रहे हम दोनों, बस इतनी सी मन्नत है मेरी। तू जो मेरे साथ खड़ी है, बस यही जन्नत है मेरी। क्या बात है, जन्नत है मेरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो, मैं राहुल और मैं जैन आप सभी को सुनाने जा रहे हैं हमारी एक कहानी। ये कहानी है हमारे प्यार की, हमारी प्रीत की। इसमें हार है, मस्ती है और है जीत। हजरात हजरात हजरात, म्यूजियम में बैठे सभी लोग जरा गौर से सुन ले, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी रूह पे छाप देगी। यहाँ पे बैठे सभी लोग जरा गौर से सुन ले, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी रूह पे छाप देगी। और जो नहीं सुनेगा ना, उसे माता रानी अपने आप बाप देगी। तो बात है ये मेरे कॉलेज के, तुम नहीं बताओगे यार। ये जब भी हमारी कहानी बताता है मिर्च मसाला लगा के कुछ नया ही बना देता है। मैं बताऊं? बल्कि ये ऐसा करते हैं, मैं नहीं। मैं अच्छा, तुम पास है, तुम पास करते हेड्स। हां यार, तुम हमेशा चीटिंग करते हो, तुम हमेशा जीत जाते हो। तो चलो अब मैं शुरू करता हूं। तो बात है ये हमारे कॉलेज के सेकंड ईयर की। हमारा सेकेंड ईयर अभी अभी चालू ही हुआ था कि पूरे कॉलेज में एक अजीब सा शोर मच गया कि भाई फर्स्ट ईयर में बड़ी अच्छी लड़की आई हुई है। और सबसे ज्यादा खुश तो हम मैकेनिकल वाले ही थे। आप समझ गए होंगे क्यों। तो हम लोगों ने भी अपना लिबास वाल बदला, जो फटे पुराने कपड़े मतलब पजामा वजामा चप्पल उप्पल पहन के घूमते रहते हम लोग, वो बदला नई टी शर्ट जीन्स और जूते वूते पहन के हम पहुंच गए फ्रेशर्स पार्टी। जैसे ही हम लोग फ्रेशर्स पार्टी में पहुंचे ना, हमारी आंखें एकदम चौंधियां थी गई। और हमारा सब का भगवान से बस एक ही सवाल था, हमें एक साल जल्दी पैदा करना जरूरी था क्या। तो इतने में हम लोग सब अपने अपने काम पे लग गए। कोई किसी रेड वन पीस वाली लड़की को उतार रहा था, तो कोई किसी क्रॉप टॉप वाली। इतने में मेरी नजर पड़ी एक लड़की, उसने सलवार कमीज पहना हुआ था और उसने बाकियों की तरह मेकअप नहीं किया हुआ था। शायद जरूरत ही नहीं, उसकी आंखों का वो काजल ही काफी था मुझे पूरी तरह घायल कर। तब उसकी आंखों पे एक दो लाइनें लिखी थी, जो बात उसमें है वो कहां कहीं लाखों में है, जो बात उसमें है वो कहां कहीं लाखों में है, ऐसा नशा कहां शराब में जैसा उसकी आंखों में है। क्या बात है, जैसा उसकी आंखों में। अब ये लाइन सोचते सोचते मैंने और बहुत सारी लाइनें सोच ली थी, जो मैंने सोचा था कि उसे जाते ही कह दूंगा भाई, वहां पर जाके कुछ ऑकवर्ड सा ना लगे ना। तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस से पूरी तैयारी के साथ उसके पास गया और बोला, हेलो, मैं राहुल, आपका कॉलेज में पहला साल है क्या। और तभी वहां से जवाब आया, आदाब बोला था ना, मैं अपनी आगे की सारी लाइन वही। अब ये तो सब भूल चुके हो। और मैं नई थी इस कॉलेज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और दिल में थी सब कुछ जानने की चाह। तो बस हमारे बीच की इस खामोशी को मेरी इस चाह ने तोड़ा और एक गुफ्तगू को साज किया। पर एक बार मैं भी सच बताऊं, देयर ऑलवेज डीप कन्फेशंस। चेहरे पर तो उनके समुंदर सी शांति थी, लेकिन अल्फाजों के शोर ने मानो मेरा दिल ही जीत लिया। चेहरे पर तो उन्होंने दाढ़ी पहन रखी थी जैसे समझदारी ओढ़ रखी हो, लेकिन बातें बिल्कुल बच्चों जैसी। पर मैं आप ही बताओ, पहली मुलाकात में ही कौन बताता है कि कैसे मेस वाले से उन्होंने दो गुलाब जामुन एक्स्ट्रा ले लिए, या फिर ये कि बॉयज हॉस्टल में साड़ी पहनकर डांस करवाया गया, या फिर ये कि पहले ही टेस्ट में चीटिंग करते हुए पकड़े और टीचर ने मुर्गा बना दिया। कौन बताता है ये सब।
आधे पौने घंटे में मैंने उनके एक साल के सारे किस्से जीने और अपने एक साल के सारे सपने सीखे। हमारी बात बताते कुछ बढ़ने लगी थी। अब मैं उसे बोलने से पहले तैयारी करके नहीं जाता था, कुछ सोचता नहीं था बोलने से पहले। मैं वैसे भी बहुत बोलता था और उसके सामने तो मानो चुप ही नहीं होता था, और वो भी मुझे इतने प्यार से इतने आराम से सुनती थी ना कि जी चाहता था बस कि पूरी कायनात वही। पहाड़ देखे हैं आपने? पहाड़ कितने सुकून से, कितनी शांति से हमारी चीखें, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी बातें सब सुन लेते। ऐसा ही सुकून मुझे मिलता था उनकी बातों से। अब बातें मुलाकातों में तब्दील होने लगी थी, और फिर आया एक दिन। वो एक 28 अक्टूबर मेरा बर्थडे था और इन्होंने भी बड़ी जोरों शोरों से तैयारी शुरू की हुई, कुछ मुझे बता के तो कुछ मुझसे छुपा के और कुछ मेरी बेस्ट फ्रेंड को इशारे करके। अच्छा, वो 12 बजे वाला जो केक था ना, वो सरप्राइज था, तो मैंने भी सरप्राइज रहने दिया। और वो तोहफा आज भी मेरे कानों में झुमके बनकर चमक रहा। कि हम 12 बजे हॉस्टल से निकलेंगे, लंच करेंगे और फिर मूवी देखने जाएंगे, मेरी फेवरेट SRK की मूवी। तो सड़क उसका हॉस्टल के नीचे इंतजार कर ही रहा था, और जैसे ही वो हॉस्टल से निकल कर आई ना, मैं उसका थोड़ा सा और दीवाना हूँ। उसने कानों में वही झुमके पहन रखे थे जो मैंने कल रात को उसको तोहफे में दिए थे, और उसका दुपट्टा आसमान में ऐसे लहरा रहा था जैसे कि कोई आजाद पतंग, एक आजाद पतंग की तरह लहरा रहा था उसका दुपट्टा। अब सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा था। हम लोग लंच करने गए, मूवी देखी, और मूवी देख के वापस आ रहे थे। वापस आने में हम लोगों को थोड़ी सी देर हो गई थी, इसलिए हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी उदास नहीं थे, क्योंकि हमारा दिन बहुत ही खूबसूरत जा रहा था। इतने में हम लोगों ने भाग भाग कर एक बस पकड़ी, बस की पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए, और अचानक से हमने देखा कि कुछ पांच लड़के बस में चढ़े और हमको देख के कुछ तो फुसफुसाने लगे। वो पांच लोग, उन पांच लोगों के चेहरे इतने दर्दनाक थे कि आज भी जब मुझे याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। वो हमारी तरफ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, वो ऐसी बातें कर रहे थे कि नापाक नजरें मुझे जिस तरीके से देख रही थी वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। वो पांच लोग, इससे पहले कि हम लोग कुछ समझ पाते उनके कदम हमारी तरफ बढ़ने लगे, इससे पहले कि हम लोग कुछ कर पाते उनके कदम की रफ्तार और बढ़ने लगे, और इससे पहले कि हम लोग कुछ कदम उठाते उनमें से तीन लड़कों ने मुझे जकड़ लिया, मुझे मारने लगे, मुझे पीटने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे, और दोनों ने जरीन का जो दुपट्टा आसमान में लहरा रहा था उसे जमीन पे फेंक दिया, उसे नोचने खरोचने लगे। मैं बहुत चीखा, मैं उनके सामने खिड़खिड़ाया, छोड़ दो उसे, भगवान के लिए उसे चाहे तो मासूम बच्ची है वो, खुदा के लिए उसे छोड़ दो। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उनमें से एक लड़के ने मेरा सर बस की सीट पे जोर से देखे मारा, मेरा पूरा सर लहूलुहान हो गया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं कुछ कहना चाह रहा था, चिल्लाना चाह रहा था, पर मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही थी, और मेरे कानों में थी सिर्फ उसकी चीखे, दर्द भरी चीखे। नहीं यार, ना मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर उस दिन शायद ना उसका खुदा हमारे साथ था और ना ही मेरा था। और अगले ही मोड़ पर उन्होंने राहुल को बस से बाहर कर दिया, और मुझे नोचने खरोचने मन भरने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया। 28 अक्टूबर 2012, राहुल ने उसी सड़क पर और जरीन ने किसी जंगलों में अपना दम तोड़ दिया, और दोनों खुदा को प्यारे थे। ता उम्र साथ रहे हम दोनों, बस इतनी सी मन्नत है मेरी। ता उम्र साथ रहे हम दोनों, बस इतनी सी मन्नत है मेरी। तू जो मेरे साथ खड़ी है, बस यही जन्नत है मेरी, बस यही जन्नत है मेरी।